अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। क्या कह रहे थे माँ को? मामा के लिए कॉन्फ्रेंस रूम तैयार किया है। मामा को कभी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते देखा है? बिल्कुल महारानी लगती है। प्रिंसिपल साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर मैंने आपको कहा था कि वो किताब लॉक करवा दीजिए तो उसके पीछे कोई ठोस वजह थी। That book spells doom. Death. दोस्तों, आज जिस एक्टर की बात मैं कर रहा हूं वो एक बेहतरीन एक्टर है और फिल्मों में हर तरह के रोल निभाए हैं और लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे वो कामयाबी नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, और वो है द वेरी टैलेंटेड एंड वर्सटाइल एक्टर राज जोशी। मुझसे मिले बगैर अगर उन्होंने इस घर में एक रात भी और काटी तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, समझे? किसी भी अंग्रेज अफसर को मारना इतना आसान नहीं है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, पहले अपने गुस्से पर काबू रखो। हमें इसके लिए रिवॉल्वरों का इंतजाम करना होगा, फिर प्लानिंग बनाकर एक्शन करना होगा। गलतफहमी दूर करने का बस एक ही तरीका है, और खुद की क्या, दूसरों की गारंटी भी कभी मत लेना, वक्त के साथ आदमी बदल जाता है। अरे मुंबई में कृष्णा की जगह अपने को एक लड़का चाहिए भरोसेमंद। 4 फरवरी 1961 में पैदा हुए थे राज जोशी दिल्ली में एक कश्मीरी पंडित परिवार में। उनके पिता का नाम था नरेंद्रनाथ जोशी और उनकी माँ का नाम था अनुराधा जोशी। और जोशी के दादाजी अपने वक्त के बहुत मशहूर अनाउंसर थे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पे, और उनका नाम था दीनानाथ जोशी। और दोस्तों, जोशी का असली और पूरा नाम है राजेंद्रनाथ जोशी। दोस्तों, जैसे कि हर एक्टर की एक्टर बनने की शुरुआत अपने स्कूल और कॉलेज के प्लेस से होती है, ऐसे ही जोशी अपने स्कूल और कॉलेज के प्लेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, और उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो आगे चल के एक एक्टर बनेंगे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर केतन मेहता एक फिल्म प्लान कर रहे हैं और यंग एक्टर्स की तलाश में है, और मुंबई में उसके ऑडिशंस हो रहे हैं। इसलिए राज जोशी मुंबई आ गए और केतन मेहता के ऑफिस पहुंच गए और वहां ऑडिशन चल रहे थे। वहां राज जोशी ने देखा कि एक पतला दुबला लड़का बैठा हुआ है ऑडिशन देने के लिए। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि वो लड़का कोई और नहीं था, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान थे। दोनों ने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गए, और वो फिल्म थी होली, जो आई थी 1984 में, कयामत से कयामत तक से पहले। नाम? मदन शर्मा। उम्र? 19। लेकिन अफसोस, ये फिल्म कामयाब नहीं रही, फ्लॉप हो गई। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जोशी की बहुत गहरी दोस्ती हो गई अपने को एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ। नसीर भाई जोशी से बहुत इंप्रेस थे, उन्होंने कहा जोशी को, आओ और मेरा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लो। चुनांचे ऐसा ही हुआ, जोशी ने नसीर भाई का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और नसीरुद्दीन शाह के साथ कई प्लेस किए। उसी दौरान एक प्ले देखने आए थे मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एन चंद्रा। वो जोशी की एक्टिंग से बहुत मुतासर हुए और अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। फिल्म का नाम था अंकुश, जो आई थी 1986 में, और उसमें जोशी का एक हटके रोल था। देखिए। शर्म नहीं आती ऐसे लड़कियों को छेड़ते हुए? तू नहीं छेड़ता लड़की को? मैं तो हर लड़की को अपनी माँ समझता हूँ। अच्छा, क्यों? उससे नीयत साफ रहती है। अरे तेरी नियत का तो ठीक है, लेकिन तेरे बाप की नियत का क्या होगा? दोस्तों, ये फिल्म काफी कामयाब रही, लेकिन इस फिल्म के बाद जो फिल्म आई उसने सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और वो फिल्म थी कयामत से कयामत तक, जो आई थी 1988 में। इस फिल्म में
आमिर खान ने एज हीरो डेब्यू किया था और आमिर खान के भाई का रोल प्ले किया था राज सुच्छी ने। फिल्म के डायरेक्टर थे नासिर हुसैन के बेटे और आमिर खान के फर्स्ट कजन मंसूर खान। राज, रश्मि बाहर, कविता उसे लेकर आइए। अपना सामान पैक कर लो राज, तुम्हें भागना पड़ेगा। ये पैसे रख लो राज, तुम्हारे काम आएंगे। ये फिल्म यानी कयामत से कयामत तक सुपर डुपर हिट हो गई और आमिर खान रातों रात यानी ओवरनाइट स्टार बन गए और जुच्छी ने भी कुछ फिल्में साइन कर ली जैसे तुम मेरे हो, माचिस, चाची 420, 1-2 का 4 और लगान। फिकर मत कर भुवन, अब तू देख इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, बस हमका धीरज से खेलना होगा। दोस्तों, जुच्छी ने हर जॉनर की फिल्मों में काम किया, कॉमेडी फिल्म में, एक्शन फिल्म में, रोमांटिक फिल्म में और हॉरर फिल्म में। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आवर सेवियर हैव मर्सी ऑन आवर सोल्स। इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, आई कास्ट यू आउट अनक्लीन स्पिरिट अलोंग विद एवरी स्पेक्टर फ्रॉम हेल। दोस्तों, जुच्छी ने लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो कहते हैं 2008 मेरे लिए बहुत लकी ईयर था और मैं बहुत खुश था क्योंकि उस साल मेरी एक फिल्म आई स्लम डॉग मिलियनर और इस फिल्म को यूनिवर्सली रिकॉग्निशन मिला और प्रेस्टीजियस ऑस्कर अवार्ड भी मिला। दोस्तों, जुच्छी ने फिल्मों में मेन लीड रोल्स तो नहीं किए लेकिन कई फिल्मों में बेहतरीन रोल निभाए। वो तो क्या हुआ, अपने घर तो बैठी है, ब्याह के भी कहां जाएगी, यही तो रहेगी। ले, तू क्या उसको घर जवाई बना के रखेगा, ये रख ले मुझे घरसाला बना के। दोस्तों, फिल्मों के साथ साथ जुच्छी ने कई बड़े बड़े टीवी सीरियल्स में भी काम किया जैसे गृहलक्ष्मी का जिन, गुब्बारे, एक था रस्टी और युगांतर। दोस्तों, जब जुच्छी कयामत से कयामत तक में काम कर रहे थे तो उनकी दोस्ती फिल्म के डायरेक्टर मंसूर खान की बहन और आमिर खान की फर्स्ट कजन यानी नुजत खान से हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नुजत एक डिवोर्सी थी, उनके एक्स हस्बैंड का नाम था अनिल पाल और नुजत और अनिल का एक बेटा भी है जो एक मशहूर हीरो रह चुका है और उसका नाम है इमरान खान। लेकिन अफसोस, नुजत की और राज सुच्छी की शादी भी टिक नहीं पाई और 2006 में उनका डिवोर्स हो गया। दोस्तों, जुच्छी आज भी फिल्मों में और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं और कहते हैं मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं अपना नाम बनाने के लिए और हर तरह के रोल्स करना चाहता हूं और यंगस्टर्स को यही एडवाइस दूंगा कि द मंत्रा टू सक्सेस इज हार्डवर्क, हार्डवर्क एंड मोर हार्डवर्क। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।